डमरोग रोड पर रहने वाले लोग आजकल खतरों के खिलाड़ी बन चुके हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बारिश के चलते इस रोड की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि इस पर वाहन चलाना तो दूर पैदल चलना भी बेहद मुश्किल हो चला है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े खड्डे पड़ चुके हैं। सड़क की मिट्टी पूरी तरह से गारा बन चुकी है, जिससे कुम्हार चाहे तो बर्तन भी बना सकता है। इस चिकनी मिट्टी की सड़क पर रोज वाहन और क्षेत्रवासी फिसल कर चोटिल हो रहे हैं। अब इन गड्ढों को भरने के लिए लोक निर्माण विभाग ने नई तकनीक को विकसित किया है, जिसमें गड्ढों को गीली मिट्टी से भरा जा रहा है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि डमरोग वासियों की लोक निर्माण विभाग मुश्किलें बढ़ाकर परीक्षा लेना चाहता है, ताकि वे पूर्ण रूप से खतरों के खिलाड़ी बन सकें। क्षेत्रवासियों ने रोष जताते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग ने गड्ढों को भरने के लिए नई तकनीक विकसित की है, जिसमें वे बरसात के मौसम में सड़क के गड्ढों में और गीली मिट्टी डालकर भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस नई तकनीक से सड़कों की हालत और ज्यादा खस्ती हो चली है। सभी क्षेत्रवासी इससे बेहद परेशान हैं। उन्होंने कहा कि जहां एक और जिला प्रशासन को सड़क को पक्का कर लोगों को सुविधा प्रदान करनी चाहिए थी, वह उनकी सड़क को मिट्टी डालकर और ज्यादा दलदली बना रहा है, जिसके चलते उनकी समस्या कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर सड़क कम, गड्ढे ज्यादा है, और गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे नहीं है। और हैरानी की बात है कि जो हमारा प्रशासन है वो इन गड्ढों को जो है एक बड़ी नई तकनीक के साथ भर रहा है। और इस तकनीक में आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो गड्ढे हैं, इनमें मिट्टी भरी जा रही है। पता नहीं कहां से गीली मिट्टी ट्रक में भर के हमारा प्रशासन ला रहा है, और इन गड्ढों को लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप इन गड्ढों को जो है वो मिट्टी से भर रहे हैं। ये एक बहुत ही निंदनीय कार्य है। कहां तो आपको इस सड़क की सुध लेनी चाहिए और इस पे मेटलिंग करनी चाहिए या टाइलें लगानी चाहिए, बजाय इस सुध लेने के। बरसात के मौसम में जब इस सड़क की बद से बदतर हालत हुई है, आप इसकी हालत और ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो इस पे कम मिट्टी है और आप इसमें और मिट्टी भर रहे हैं, जिससे सारे में कीचड़ कीचड़ हो रहा है। मिट्टी में ज़्यादा पानी की वजह से दलदल बन रहा है। दलदल बनने से बच्चों को चलने में, बुज़ुर्गों को या आम व्यक्ति को और गाड़ियों तक को निकलने में जो है भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से कि आप इस तरह लोगों के साथ और लोगों की भावनाओं के साथ मजाक मत कीजिए। कृपया इस रोड की सुध लीजिए। शहर के बिल्कुल साथ लगता ये एरिया है। ये मैं हमारे जो नगर परिषद के चेयरमैन हैं, उनका ये वार्ड लगता है, या उनसे भी निवेदन रहेगा कि आप चेयरमैन भी हैं, नगर परिषद में कई सालों से हैं, कम से कम एक सड़क जो आपके वार्ड के साथ ये लगती है, आप इसकी और ध्यान दें और इसकी सुध लें। इसको जो है बेहतर बनाने के लिए और लोगों को सुविधाएं देने के लिए आप थोड़ी इच्छा शक्ति जगाएं। और बहुत ही जो है शहर के बिल्कुल साथ लगती ये जगह है, यहाँ पर जो है सर लोग बहुत परेशान हैं। अगर देखा जाए इस रोड को, जो कि हम पिछले मेरे ख्याल से 4 साल से 5 साल से कभी ये रोड ठीक नहीं हुई है, और आज जो 2 दिन से हम देखें पीडब्ल्यूडी वाले आके जो ये मिट्टी फेंके, और भी खस्ता हालत हो गई है रोड की, जो कि जो हम जैसे लोग जो रेगुलर इस रोड को यूज़ करते हैं, हमारे आई थिंक दिन के यहाँ 6 से 8 राउंड लगते हैं हमारी गाड़ी के, और हमें रोज़ कंटिन्यूसली इस चीज़ को देखते हैं कि कितना हमें करना पड़ता है, कितनी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगी, ये ही कहना चाहूँगी कि इस रोड के बारे में सीरियसली सोचा जाए, जो यहाँ पे जो भी कुछ है उसे पूरी तरह से ठीक किया जाए। इस तरीके से नहीं कि आज मिट्टी भर दी और परसों बारिश हुई और वो निकल के चली गई है, फिर वही गड्ढे वही सब कुछ। और जो लोग मतलब काम भी करवा रहे हैं, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए है कि हमें ये रोड आज ही नहीं बल्कि पूरे जीवन भर के लिए सभी को चाहिए, तो उन्हें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। अपनी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ बाहर का भी सोचें कि आने वाले समय में, अभी इतना ट्रैफिक है तो आने वाले समय में कितना होगा। तो मैं तो ये कहूँगी कि प्लीज़ 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 ध्यान दें इस रोड की तरफ। हम लोग मतलब इतना हम यहाँ रहते हैं, टैक्स पे करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे लिए कोई भी चीज़ प्रॉपर नहीं है यहाँ पे। इवन सीवरेज लाइन तक नहीं है हमारे लिए, जो कि मैं चाहूँगी कि हो और पूरी प्रॉपर तरीके से हो। हम इतना कुछ मतलब अच्छा खासा हम लोग इनकम टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स पे करते हैं, सब कुछ देते हैं, तो उसके बावजूद ये हाल है। मैं वृंदावन निवासी, डमरोग रोड सोलन का निवासी हूँ। वार्ड नंबर 11 और पंचायत के बीच में हमारी ये सड़क आती है, और इस सड़क की हालत वैसे काफ़ी समय से बहुत ही ख़राब है, लेकिन अभी अभी आज कुछ फ़ोटो मैंने डाली भी है, जिसमें कि आप देख रहे होंगे कि पीडब्ल्यूडी की लेबर जो आई है, उन्होंने यहाँ पर मिट्टी डाली है, सारे कीचड़ के ऊपर मिट्टी डाल करके, और इसको ख़राब कर दिया है, जो कि बहुत ही लोगों के लिए, सुबह से लोग परेशान हैं, लोग आते जाते, पहले
वैसे ही दिक्कत होती थी, अब तो चलना भी बहुत मुश्किल हो पा रहा है। और प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इस सड़क के ऊपर कुछ गौर दिया जाए। हम लोग बहुत समय से इस पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत हमने अलग अलग लेवल पे एप्लीकेशंस दे रखी हैं ऑलरेडी भी, बट कोई भी इस सड़क की या इस एरिया की कोई सुध लेने वाला नहीं है। सो प्रशासन से हमारा विनम्र निवेदन है कि इस तरीके से मिट्टी फेंकने की जगह या इस तरीके से एक सिर्फ टाइम पास करने की जगह जो खर्चा शो किया जा रहा है उसकी जगह है कि इसको प्रॉपरली देखा जाए और कुछ इसका सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन है वो निकाला जाए।